भारत का पूर्वोत्तर भाग। अपने 3P यानी पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की नई पहचान बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में विकास का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता के साथ आत्मनिर्भर भारत का बन रहा है मजबूत आधार। अब पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और असम इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत को लगातार मजबूती देते असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में एलपीजी की मांग तेजी से बढ़ रही है। प्रतिवर्ष लगभग 730 टीएमटी एलपीजी की मांग वाला एक क्षेत्र अपने स्रोतों से सिर्फ करीब 27% की पूर्ति ही कर पाता है। शेष मांग की पूर्ति उत्पादों के आयात और एलपीजी टैंक ट्रकों द्वारा की जाती है। इसी को ध्यान में रखकर पश्चिमी असम के बोंगाई गांव में स्थित इंडियन ऑयल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर द्वारा विश्व प्रसिद्ध इंडेन मैक्सिमाइजेशन यूनिट यानी इंडमैक्स किया गया है विकसित। इंडमैक्स में होती है अद्वितीय क्षमता हैवी फीड स्टॉक से एलपीजी और उच्च ऑक्टेन गैसोलीन के उत्पादन की। लगभग 2600 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस यूनिट के निष्पादन से रिफाइनरी की क्रूड प्रोसेसिंग बढ़कर हो जाएगी 2.35 MMTPA से 2.7 MMTPA। 0.74 MMTPA इंडमैक्स यूनिट के निष्पादन से रिफाइनरी के एलपीजी उत्पादन में होगी 4 गुना से ज्यादा वृद्धि। लगभग 55% बढ़ेगी इस क्षेत्र में क्लीन और ग्रीन एलपीजी ईंधन की आपूर्ति। ऑयल इंडिया द्वारा डिब्रूगढ़ जिले के मधुबन में 490 करोड़ रुपए की लागत से कच्चे तेल के भंडारण के लिए डिहाइड्रेशन फैसिलिटी के साथ सेकेंडरी टैंक फार्म एसटीएफ और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण। एसटीएफ द्वारा लगभग 40,000 किलोलीटर क्रूड ऑयल का सुरक्षित भंडारण तो होगा ही, साथ ही ऑयल इंडिया द्वारा उत्पादित वेट क्रूड ऑयल से बनने वाला पानी भी अलग होगा। इसके एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी ईटीपी को 7,200 किलोलीटर का संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि इसकी परिचालन क्षमता होगी 5,400 किलोलीटर। इस प्रोजेक्ट से ऑयल के लिए कच्चे तेल के भंडारण की बढ़ी हुई सुरक्षा होगी सुनिश्चित, साथ ही ये होगी पर्यावरण के भी अनुकूल। ऑयल इंडिया द्वारा असम के तिनसुकिया जिले के हेबेदा गांव माकुम में हाई प्रेशर लिफ्ट गैस की सप्लाई की सुविधा के लिए लगभग 132 करोड़ रुपए की लागत से परिकल्पना की गई थी हेबेदा गांव गैस कंप्रेसर स्टेशन GCS की। साथ ही ये GCS वार्षिक 16,500 मीट्रिक टन कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से हाइड्रोकार्बन उत्पादन में भी देगा योगदान। भविष्य में असम में ऊर्जा के सेक्टर में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि, जिससे टेक्निकल और स्किल्ड मैन पावर की बढ़ेगी जरूरत, इस जरूरत की पूर्ति के उद्देश्य से असम सरकार द्वारा धीमाजी में 276 बीघा कैंपस क्षेत्र में 44.98 करोड़ रुपए की प्रारंभिक लागत से हुआ है स्थापित राज्य का 7वां और उत्तरी तट का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज धीमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां 3 बीटेक कोर्स सिविल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की होगी पढ़ाई, जहां हर ब्रांच में होंगे 60 छात्र। साथ ही असम के सुआलकुची में असम सरकार द्वारा ही 16 बीघा कैंपस क्षेत्र में 54.71 करोड़ रुपए की प्रारंभिक लागत से राज्य के 8वें इंजीनियरिंग कॉलेज का होगा निर्माण। यहां भी 3 बीटेक कोर्स सिविल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की होगी पढ़ाई, जिससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण इंजीनियरिंग शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाने के उद्देश्य से शुरू हुए असम के इन प्रोजेक्ट्स ने खोले हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के भी कई द्वार। असम के विकास को मिल रही है नई गति और असम वासियों के लिए बन रही हैं समृद्धि की नई संभावनाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इंडेन मैक्सिमाइजेशन यूनिट, डिहाइड्रेशन फैसिलिटी के साथ सेकेंडरी टैंक फार्म एसटीएफ और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एवं गैस कंप्रेसर स्टेशन हेबेदा गांव माकुम को राष्ट्र को समर्पित। साथ ही होगा शिलान्यास सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज का और अपने कर कमलों से करेंगे उद्घाटन धीमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का।